गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम सभी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, प्रीवियस वीडियो मैंने 1 to 5 तक के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया था। ठीक है, उन्हें जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझिए। डिटरमाइन, ज्ञात करें पोलरिटी E/F। E/F फाइंड करना है इन एक्सरसाइज 6 to 9। ये क्वेश्चन मैंने 6 लिखा है, 7 है, 8 है, 9 है, इसी तरह से आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन सभी में E/F निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन समझते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्का जो है वो कितने बार उछाले जाते हैं जी? 3 बार, है ना, 3 times। ई बोल रहा है इवेंट ई में हेड ऑन 3rd toss, यानी इवेंट ई में वैसे एलिमेंट्स को हम लोग कलेक्ट करेंगे जिसमें 3rd toss में क्या दिखे? हेड दिखे। ठीक है, एक बोलता है हेड्स ऑन 1st 2 toss, हेड्स होने चाहिए लेकिन पहले और दूसरे टॉस में। ठीक है ना, पहले और दूसरे टॉस में क्या दिखने चाहिए? हेड होने चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन, एक कॉइन इज टॉस्ड 3 times बोला था, तो सॉल्यूशन लिखेंगे व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times देन सिंपल स्पेस। सबसे पहले जो सिक्का उछाला जा रहा है उससे जितनी भी संभावनाएं बन सकती है, सिंपल स्पेस आ सकता है, उसको लिखेंगे दोस्तों। तो सिंपल स्पेस में देखिए क्या क्या आ सकता है। हो सकता है 3 बार हेड आ जाए, है ना, हेड 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 टेल, है ना, फिर हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, फिर आपका टेल टेल टेल, फिर टेल टेल हेड। ठीक है, फिर टेल हेड टेल, फिर आ सकते हैं टेल हेड हेड। ठीक है, देखिए दोस्तों 8 बनेगा सिंपल स्पेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ठीक है, तो ये आपका बन गया, है ना। अभी देखिए ई में क्या बोल रहा था, इवेंट ई में हेड ऑन 3rd toss, है ना, लिखेंगे सिंस ई बोल रहा है हेड ऑन 3rd toss, तो ई बराबर हेड ऑन 3rd toss, तीसरे टॉस में हेड होना चाहिए दोस्तों, पहले हो या दूसरा हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन तीसरा में हेड होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है, 3rd toss पे हेड होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें 3rd toss में पहला दूसरा तीसरा 3rd toss में हेड है ना, यहाँ पे हेड दिख रहा है, तो इसको लिए कलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, फिर इसमें नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है ना, तो हेड टेल हेड आ जाएगा, फिर ये इसमें नहीं है, यहाँ पे है, टेल टेल हेड आ जाएगा, है ना, फिर देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो आ जाएगा टेल हेड हेड। ठीक है, ई का हो चुका है। अब देखिए इफ हेड ऑन 1st 2 toss, यानी पहले दूसरे टॉस में हेड होना चाहिए, तो चलिए उसके भी कर लेते हैं, इफ हेड्स ऑन 1st 2 tosses। ठीक है ना, तो चलिए इफ बराबर देखिए पहला दूसरा में हेड दिख रहा है ना, तो उसे ले लें, पहला दूसरे में हेड दिख रहा है, इसमें नहीं है, पहला दूसरा में नहीं है, पहला दूसरा में नहीं है, पहला दूसरा में नहीं है, है ना, चलिए तो यही 2 ही आ जाएगा। ठीक, अब आपका ई एफ, ई का आपने कलेक्ट कर लिया है, एफ को कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब दोस्तों ई और एफ का इंटरसेक्शन मुझे फाइंड करना है, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। ठीक है ना, ई में देखिए ये एलिमेंट्स हैं, है ना, और ये, तो इसमें कॉमन जो मिलेगा ना दोस्तों उसको लिखना है। तो देखिए हेड 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 ट्रिपल हेड, इसमें इसमें ट्रिपल हेड है, इसको भी कलेक्ट कर लीजिए, कॉमन आ रहा है, अच्छा, और देखिए हेड हेड टेल नहीं, एक ही आएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया,
इवेंट ई एफ और इंटरसेक्शन मिल चुका है। अब सभी को पोरलिटी में चेंज कर लेंगे दोस्तों, इसलिए पोरलिटी ऑफ ई था ना, उसका पोरलिटी बदलेंगे, एक दो तीन चार फोर बटा सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस में जितने नंबर होते हैं ना उससे भाग देंगे, एट चार एक चार चार दूनी आठ, तो आपको मिले वन बाय टू। पोरलिटी ऑफ एफ निकाल लीजिएगा, ई का हो चुका है, एफ निकाल लें, एक और एक दो, दो बटे आठ वन बाय फोर। पोरलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन है ना, इसका वैल्यू सबको पोरलिटी बदलेंगे तो इसमें एक ही है वन बाय एट, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे वैल्यू, इसलिए पोरलिटी हमें जो निकालना था ई बटा एफ, तो इसका फॉर्मूला होता है पोरलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा पोरलिटी ऑफ एफ, है ना, इसलिए हम लोग सभी चीजें पहले निकाल लिया, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ, पोरलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितने उसके, वन अपॉन एट अपॉन पोरलिटी ऑफ एफ, पोरलिटी ऑफ एफ वन बाय फोर, ठीक है। तो ये चार से कट जाएगा, चार दूना आठ, है ना, तो कितने बचेंगे दोस्तों, वन बाय टू बटा वन, तो वन ही वही हो जाएगा, है ना, वन बाय टू, ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, आप इसे अच्छे से लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सिक्स का टू, है ना, देखिए वो रखा है ई एट लीस्ट टू हेड, ठीक है ना, इवेंट ई में आपको लेने हैं एट लीस्ट टू हेड के वैल्यूज, ठीक है ना, और एफ में लेने हैं एट मोस्ट टू हेड, ठीक है ना। तो दोस्तों एट लीस्ट का मतलब समझ लीजिए, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम वो जो इंडिकेट किया गया है वो, है ना, जैसे एट लीस्ट टू हेड करने का मतलब है कि कम से कम दो हेड लेने हैं और दो से ज्यादा हेड भी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, रहेंगे तो, ठीक है। और एट मोस्ट टू हेड मतलब ज्यादा ज्यादा दो लेना है और उससे कम में आने हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। जैसे देखिए बनाते हैं, देखिए यहां से लिखेंगे, सेकंड के लिए भी यही लिख लेंगे कि हम एक सिक्के को तीन बार उछाला गया था ना, वेन ए कॉइन इज टॉस्ड थ्री टाइम्स देन सिंपल स्पेस, ये बनेगा, ठीक है ना, तो आप इसे यहां पर लिख लेंगे सोल्यूशन में, इसे यहां पर यहां लिख लेंगे, ठीक है ना, उसके बाद लिखेंगे सिंपल स्पेस तो लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद लिखेंगे सिंस ई बराबर एट लीस्ट टू हेड्स, ठीक। तो एट लीस्ट का मतलब मैंने समझाया कि दो हेड लेने हैं और दो से ज्यादा हेड ले सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें दो हेड है ना, ज्यादा भी है तो लेंगे, यानी कि ई बराबर आपका ये आ गया, दो हेड है ना, टारगेट रखना दो हेड, और ज्यादा रहे तो भी लेंगे, ठीक। इसमें दो हेड नहीं है, इसमें दो हेड है, फिर देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहां पे नहीं है, इसमें है टेल हेड हेड, ठीक है, ये आपका ई का कलेक्ट हो गया। अब एफ देखिए, एफ में क्या बोला था, एट मोस्ट टू हेड, यहां लिख लेंगे एट मोस्ट टू हेड्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा दो लेना है दोस्तों, है ना, और उससे कम लेने हैं, कम मतलब नहीं भी हो सकते, है ना। जैसे देख लीजिए एफ बराबर टू हेड, इसमें तो ज्यादा नहीं लेने, दो हेड लेने हैं, ये दो से कम लेने हैं, ठीक है, तो ये नहीं ले सकते हैं, दो हेड इसको लीजिए, कम है ले लीजिए, दो हेड है ले लीजिए, नहीं है फिर भी इसको लेंगे, है ना, इसमें दो हेड नहीं है, कम है, हाँ ठीक है ले लेंगे, टेल टेल हेड, इसमें देखिए इसमें भी एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेल हेड टेल, है ना, ये यानी कि टेल हेड हेड, ठीक है। तो इसको मीनिंग्स को क्लियर रखेंगे दोस्तों, है ना,
दो हेड बोला, एट मोस्ट का मतलब बोल दिया ना कि दो हेड आप लीजिए और दो से कम लीजिए। दो से कम मतलब नहीं वाले भी ले लेंगे दोस्तों, जितने भी नहीं होंगे, जिसमें हेड नहीं होंगे, दो हेड नहीं होंगे वो भी ले लेंगे। ठीक है, सब लिख लिया मैंने। अब हम लोग ई और एफ में इंटरसेक्शन निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई में क्या मिल रहा है और एफ में क्या मिल रहा है, ट्रिपल हेड, इसमें ट्रिपल हेड नहीं है, हेड हेड टेल, हाँ हेड हेड टेल लिखा जाएगा, हेड हेड टेल आ गया, फिर हेड टेल हेड, हेड हेड टेल हेड है ना, तो हेड टेल हेड, फिर उसके बाद टेल हेड हेड, इसमें है क्या, टेल हेड हेड, यस टेल हेड हेड, ठीक है, टेल हेड हेड, ठीक है, आपका सारा हो चुका है। अब सभी को प्रोबेबिलिटी बदल लेंगे, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, तो ई का ई में कितने हैं, एक दो तीन चार है ना, फोर, फोर अपॉन एट, वन बाई टू आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ में देखिए कितने इवेंट, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सेवन अपॉन एट, ये तो कटेगा नहीं। अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ में देखिए एक दो तीन, थ्री अपॉन एट, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ई इंटरसेक्शन एफ बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जो एफ रहता है वही लिखते हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसके वैल्यू थ्री बाई एट बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ सेवन बाई एट, एट सेट कर दिया, कितने मिले, थ्री बाय सेवन, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे अच्छे से लिख लेंगे आप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सिंपल स्पेस पूरा लिख लीजिएगा ना, टोटल देखिए ये पूरा ये वाला है ना, वेन इक्वल स्टार्स थ्री टर्म्स, यहाँ से पूरा है ना सिंपल स्पेस, वेन इक्वल यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है ना, सोल्यूशन करेंगे इस लिख लेंगे, इसके बाद इसको लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन बना रहे उसके लिए वो तो दिखाना पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स का थर्ड। ठीक है, अब इसे देख लीजिए, ई बोल रहा है एट मोस्ट टू टेल। ठीक है, एट मोस्ट का मतलब तो समझ में आ रहा होगा कि मुझे टू टेल या दो से, दो टेल से कम वाले लेने हैं। ठीक है, जिसमें ना भी टेल रहेगा उसको भी ले लेंगे। ठीक है, और एफ, एफ में क्या बोल रहा है, एट लीस्ट वन टेल, जिसमें एक टेल होंगे वो लेंगे और एक से ज्यादा वाले टेल को भी लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिख लेंगे व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड थ्री टाइम्स देन सिंपल स्पेस, है ना, ये बनेगा पूरा टोटल। ठीक है ना, इसे आप यहां पर पूरा कॉपी कर देंगे इतना, ठीक है, लिख लेंगे। इसके बाद यहां लिखेंगे सिंस ई बोल रहा है एट मोस्ट टू टेल, ठीक है, एट मोस्ट टू टेल, तो जिसमें दो टेल है उसको ले और दो दो से कम है उसको भी ले। तो देखिए दो से कम नहीं है उसको भी लेंगे दोस्तों, तो ई में आ जाएंगे, दो टेल इसमें तो नहीं है, कम है मतलब है भी नहीं, तो वो भी लेंगे, तो ले लीजिए ट्रिपल हेड, डबल हेड टेल, इसके भी तो लेंगे हेड टेल टेल, ठीक है, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, फिर आपके देखिए यहां पर तीन टेल है दोस्तों, दो टेल या दो से कम वाले लेने हैं तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है ना, ये देखिए दो टेल हेड, दो टेल हेड, ठीक है, फिर टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, फिर टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो चुका है। एफ में देखिए, एफ क्या बोला था, एट लीस्ट वन टेल, एट लीस्ट वन
टेल, ठीक है। तो इफ आते हैं एट लीस्ट वन टेल, मतलब वन टेल या वन से ज्यादा टेल भी ले सकते हैं, टेल को फोकस कर रखा है। तो देखिए एक टेल है ले लीजिए, है ना, दो टेल है इसको भी ले लीजिए क्योंकि ज्यादा जाना है टेल में, इसमें एक टेल ले लीजिए, हेड टेल हेड, फिर यहां देखिए तीन टेल है इसको भी ले लेंगे, फिर डबल टेल हेड, टेल टेल हेड, फिर टेल डबल टेल हो गया, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, फिर उसके बाद टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, ठीक है ना। देखिए एटलीस्ट वन टेल, एक टेल या एक से ज्यादा टेल, देखिए ठीक है सब में एक टेल या एक से ज्यादा टेल है ना इसमें, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन इसके, ये इंटरसेक्शन एफ कॉमन क्या मिल रहा है इसमें, ट्रिपल हेड है क्या इसमें, नहीं, डबल हेड टेल, डबल हेड टेल, डबल हेड टेल कॉपी कर दीजिए, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल है, हेड टेल टेल, फिर हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, फिर टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, ठीक है। अब हम लोग सभी को क्या बनाएंगे, पोरिटी बनाएंगे, इसलिए पोरिटी ऑफ ई, तो ई में कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात हो गया, सेवन एलिमेंट, सेवन बाय एट। पोरिटी ऑफ एफ, एफ में देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन अपॉन एट। पोरिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स बाय एट। तो पोरिटी मुझे निकालना है ई बटा एफ बराबर पोरिटी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पोरिटी ऑफ एफ लिखाएगा। ई इंटरसेक्शन एफ इसके वैल्यू कितनी है, सिक्स बाय एट, सिक्स अपॉन एट। पोरिटी ऑफ एफ सेवन बाय एट, एट सेट कर जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, सिक्स बाय सेवन ही आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आप इसे अच्छे से लिख लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, टू क्वाइंस और टॉस्ड वंस, दो सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, ठीक है। तो ई में फाइंड करना है, ई इवेंट्स बोल रहा है, टेल अपीयर्स, टेल मौजूद होना चाहिए ऑन ऑन वन क्वाइन, एक सिक्के में टेल दिखना चाहिए, ठीक है। और एफ बोल रहा है वन क्वाइन, एक सिक्का सो हेड, एक सिक्के हेड दिखना चाहिए, मतलब दो सिक्का रहेगा ना तो उसमें से एक जो है वो हेड दिखना चाहिए। चलिए दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले कि हम देखेंगे कि सिक्के कितने हैं, दो सिक्के हैं, एक बार उछाला जा रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे व्हेन टू क्वाइंस और टॉस्ड वंस, जब दो सिक्के एक बार उछाले जाएंगे तो सिंपल स्पेस, देन सिंपल स्पेस पहले आप लिख लेंगे, इस बराबर बनेंगे दोस्तों हेड हेड या टेल टेल, ठीक है ना, या हेड टेल या टेल हेड, ये बनेगा। अब देखिए सिंस ई क्या बोल रहा है उसको लिखेंगे, सिंस ई बोल रहा है टेल अपीयर ऑन वन क्वाइन, तो देखिए ई बराबर एक सिक्के में क्या दिखना चाहिए, टेल दिखना चाहिए, देखिए दोनों में हेड दिख रहा है, दोनों में टेल दिख रहा है, देखिए दोनों में से एक में टेल दिख रहा है ना,
तो वही बोल रहा था कि टेल अपीयर ऑन वन कॉइन, एक सिक्का में टेल दिखना चाहिए। तो हेड टेल, ये दोनों में से एक में टेल दिख रहा है, टेल हेड, इसे ले लेंगे। ठीक है, अब एफ वाले को बात करें। एफ, वन कॉइन सो हेड, वन कॉइन सो हेड, तो एफ में लेंगे, एक कॉइन में जो है वो हेड दिखना चाहिए। इसमें दोनों हेड दिख रहा, इसमें दोनों टेल दिख रहा, इसमें एक हेड दिख रहा, हेड टेल, इसमें एक हेड दिख रहा, टेल हेड। ठीक, अब ई और एफ का हमने कलेक्ट कर लिया है, तो इंटरसेक्शन इसका निकालेंगे, है ना, ए इंटरसेक्शन एफ, तो ए हेड टेल, इसमें हेड टेल, टेल हेड, यहाँ भी टेल हेड। ठीक है, अब सभी को पोलिटी बदल लेंगे, पोलिटी ऑफ ई, तो वन टू टू बटा फोर, देखिए फोर कहाँ से लिखा दोस्तों, ये सिंपल स्पेस के नंबर, एक दो तीन चार, ठीक है ना, दो एक दो, दो दूनी चार, पोलिटी ऑफ एफ, एक दो दो बटे चार, इसके भी आ जाएंगे वन बाय टू। ठीक है, तो इसलिए मुझे पोलिटी जो फाइंड करना है वो पोलिटी ऑफ ई बटा एफ मुझे फाइंड करना, ई अंडर एफ, ठीक है ना, तो पोलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ बटा पोलिटी ऑफ एफ होगा, ये तो फॉर्मूला होता है। तो ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू, अच्छा इसका नहीं निकाले, यहाँ पे निकाल लेते हैं, पोलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, तो एक और एक दो, दो बटे चार, वन बाय टू। ठीक है, तो चलिए वन बाय टू यहाँ यूज हो गया, बटा पोलिटी ऑफ एफ वन बाय, देखिए वन बाय टू से वन बाय टू से टोटल कट जाएगा, वन आएगा, है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे अच्छे से लिख लेंगे, चलिए आगे बढ़े। सेवन का सेकेंड है, ई इवेंट ई बोल रहा है नो टेल अपीयर, कोई भी टेल अपीयर नहीं होना चाहिए, अच्छा टेल नहीं होना चाहिए मतलब। एफ बोल रहा है नो हेड अपीयर, नहीं हेड होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये जो बात है ना, ये हम लिख लेंगे कि व्हेन टू कॉइन आर टॉस्ड वन वंस देन सिंपल स्पेस, ये है ना, हम यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख लेंगे इतना। ठीक है, यहां तक लिख लेंगे, इसके बाद लिखेंगे ई की बात, सिंस ई क्या बोल रहा है, नो टेल, नो टेल अपीयर, तो ई बराबर क्या आएगा इसमें, टेल नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें टेल, ये इसमें देखिए इसमें टेल तो नहीं है, ले लीजिए उसको, इसमें टेल नहीं लेना चाहिए, टेल नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब एफ देखें, एफ क्या बोला, नो हेड अपीयर, नो हेड अपीयर, तो एफ बराबर हेड नहीं होना चाहिए, तो हेड है इसमें नहीं लेंगे, देखिए इसे ले लेंगे टेल, टेल हेड है इसमें नहीं लेंगे, हेड नहीं लेंगे। ठीक है, तो यही मेरा होगा। ठीक है ना, अब इसे आप इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन ई और एफ में कॉमन देखें, एच एच है इसमें टी टी, तो ई इंटरसेक्शन एफ में कुछ नहीं मिल रहा, तो इसको बोलेंगे इम्प्टी। ठीक है ना, चलिए अब जब ऐसा हो चुका है, ठीक है ना, तो सबको पोलिटी बनाएंगे, इसलिए पोलिटी ऑफ ई, तो पोलिटी ई है कितने, इसमें एक है, एक बोटा, हाँ सिंपल स्पेस कितने थे दोस्तों इसका, चार है ना, चार ही था ना, हाँ एक दो तीन चार बटा चार, पोलिटी ऑफ एफ बनाएंगे, इसका भी एक बटा चार आ जाएगा, पोलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, तो ये देखिए फाइव है ना, तो इसका फाइव का हो जाएगा जीरो दोस्तों, इम्पटी का पोलिटी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है ना, तो हम इसलिए निकाल सकते हैं, इसलिए पोलिटी ऑफ ए बटा एफ, यही मुझे फाइंड करना था, तो पोलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ बटा पोलिटी ऑफ एफ बराबर
इसका वैल्यू 0 बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/4। तो 10 को जो भी जिस नंबर से भाग देंगे ना या नंबर से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अच्छे से लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है अगले वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखें।